एक अनमोल रचना आप लोगों के बीच में कि एक भाई सामण की कोठली लेके अपने बहन के घर में गया, साथ में अपनी धर्म पत्नी और बच्चा ने भी ले गया। कहते हैं शिकर दुफारी बाण के घर पहुंचा और जाके जो भी सामान ले रहा था, झोला ले रहा था, जो बैग ले रहा था, वो अपनी बाण तो पकड़ा दिया और बैठक में बैठ गया। जाके बाण पानी लिया, पानी पी लिया, चाय बना दी। लेकिन ध्यान से सुनना क्या हुआ कि दोनों बाण भाई इतने गरीब होया करते, एक गरीब घर से थे दोनों। लेकिन जब शादी हुई न्यू का आग्रह भाई किस्मत का न्यून बेरा, किसकी किस्मत गेड़ा दे जा। उसका जो भाई था वो तो बेचारा गरीब बेरा, लेकिन जो बाण थी शादी हुई पीछे बढ़िया सुतरा घर में ब्याह हो गया उसका और वह काफी अमीर होगी, बड़े रपियाले उसके ससुराल आले। और कुछ दिन पाछ जब बाल चिड़क होगा न्यारी होगी, भगवान ने और घना हाथ पकड़ लिया, ये सब बढ़िया सिस्टम बन गया कि और ज्यादा अमीर हो। इवनु का आग्रह लोगो, अमीरी एक ऐसी चीज होती है किसे किसे पूट है या तो नमाया भी ना तो घनखरे लोग घमंड में पाटन न हो जाए। भगवान भी किसे किसे ने तेज है, लेकिन यह उठती को नहीं, माया बड़ी कसूती चीज है। उस बाण का भी वो हाल था कि इतनी अमीरी में इतनी घमंड में भर गई वा कि जब उसने बैग खोलिया और बैग खोल कर देखने लगी तो एकदम से छो में भर गई। न बोलिया रे भाई, एक भाई ये भीतर ने आ रही बाबा जाइए तू भी, भाई भाभी दोनों भीतर बुला ले। बोला के सही हो के लिया हो तब, ये मैंने सूटे नहीं देखे 200-200 रुपया वाले, तम केले का रहे तमने शर्म नहीं आई तम केले का। कहने का मतलब ये है कि उसने उन तक जो भी मुंह आई हुए कही कि तम साल में एक बार कोठड़ी दे हो, एक बार मौका हुआ है और यू के लिया है मेरे घर, तमने थोड़ी बहुत तो शर्म ले आ जानी चाहिए कि एक रखे हो। चैन उल्टी बैग की बंद करके न बोली चले जाओ जुन से पैरे आए हो, बेइज्जती कर दी। अब उसका भाई हाथ जुड़ कर खड़े होगा, बोले आए मां जाई आए मेरी बहन, ईसा के जुलम हो गया है। ए बेबे देखो सबसे बड़ी चीज होती बाण भाई का प्यार लाडो, जिसा भी टूटा फूटा हूं मेरी बाण, मैं इन संस्कारों को इन संस्कृति को अच्छे से समझता हूं, इसलिए मैं तेरा घर कोथली लेकर आया हूं। ना तो इसी से भाई भी है जिनका ला या कोने लग दी, इतनी माया पड़ी सर बाणा धोरा फोन भी ना कर दे कोथली तो दूर की बात। ए मेरी बहन मैं सिर्फ और सिर्फ न्यू आया हूं क्योंकि मेरी माँ जाई बाण आड़ा ब्याह रखी से और मैं उसकी कोथली देख आऊंगा, मैं बालकन भी गिल ले आए आई न्यू मत करे। लेकिन वह बाण तो घमंड में चूर हो रही थी, न बोली भाई बस शक्ल ना दिखावे चले आ जाऊ रत के दिखाऊंगी मैं पड़ोसना ने मेरा भाई के लिया है के है यू। कहने का मतलब क्या है, घमंड इतना इतना नशा था उसके घमंड का, अपने भाई की बेइज्जती करने लगी, भाई की आंखों में पानी आ गया, रोन लग गया, आज उड़ के खड़ा गन बोला ए बेबे न्यू मत कर मेरी माँ जाई। मेरे भाइयों बहनों ये भजन नहीं है, इस समाज की एक कड़वी सच्चाई आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। भाई बहुत कमेंट आया कर दे मेरे भजना पे भाई, तो सारी आन बाण बाण के भजन गाए जावे है और जिसकी बाण भी निकाम की हो भाई की एक रहे, तो इसलिए मैंने एक सच्ची घटना पर यह भजन लिखा है। इसको भजन मत समझना, ये मेरी मन की आवाज है, इस समाज की कड़वी सच्चाई आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। वो भाई रोन ला गया कम पानी अगर आज उड़कर खड़ा होगा अपनी बाण ताई के करना लग गया बता खेले खाया कर दे बचपन में कट्ठे पढ़ने जाया कर दे
आए बाण सारे दिन भूल गए। आज राम ने तेरे 16 दिन कर दिए, दो पीछा का तेरा जुगाड़ कर दिया, तने भाई की मट देसी आन तार ली। थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए थी, तू इतनी बड़ी हो रही तेरे को ये चीज शोभा नहीं देती। तने तो बोल इसे इसे मार दिए जो कर तीर ला गया करें। मेरी आख्या मनु पानी नहीं आया बेबे, सारे बोल मेरे दिल के पार निकल गए। नंबर एक पर वो भाई अपनी बहन को क्या कहता है, धनका नशाई सा होया कर आदमी ने आंधा कर दिया कर, और तेरी गेल भी नुवे हो रहा से तू माया में आंधी हो रही है। तने भाई का प्यार दिखता है नहीं, तने तो बस धने धन दिखे है सब। लेकिन मेरी बहन बाण भाई का प्रेम अनमोल होता है। आए एक माँ की कोख तो जन्म लिया हमने, के बात होगी किस्मत न्यारी न्यारी है, तेरा ब्योत सूत्र आज मेरा ढीला है। पर इसका मतलब यो तो नहीं कि तू इस माया के मुंह में फंसकर अपने भाई तो यूं बोल लगी ना मेरी बहन, गलत बात है। नंबर दो पे भाई अपनी बहन को क्या कहता है, भाई की जरूरत पड़ा करे। और भाई भाइयों ने भी बाणा बिना सरिया गुण करता लोगो, कोई भी ब्याह बाणा हो जब तक बुआ बाण कट्ठी नहीं होगी सुतरा कौन लगता, ऊंचे कोई किसी देश ने जोड़े जाओ, जब तक बाण बेटी नहीं कट्ठी होगी ना घर बेरा कौन लागे, फलाना ने की बाणा कर रखा जब सुतरा लाग गए भाई। और बाणा कभी ब्याह जब सुतरा लागे जब पटड़ बाती आ ले, क्योंकि जब तक भाती पटड़े पर नहीं चढ़ दे इतने तो कौन बन रहा है नहीं पाता, जिमनवार भी नहीं जरूर होती। ये नियम है, कान कायदे हैं, संस्कृति है हमारी, हमारे हरियाणा में ये रूल बनाए गए। लेकिन आजकल सारा सौदा खिंड भिंड हो रहा है, कोर्ट में जाके देख ले लोगों, 100 में से 80% केस इसे पाऊंगे बाण ने भाई पर केस कर रखा है, भाई ने बाण पर कर रखा है, आधी जमीन बंडवाऊंगी। नुन्ने भाई खींचा ता नहीं कर रहा है, माँ बाप हो गए मर ब्रहण माटी गम की दाड़ी। मेरे भाई बहनों कहने का मतलब ये है, चाहे दोहरा पीसा रहो चाहे ना रहो, एक भाई अपनी बाण ने सर पादर के न्यू कह दे बेबे घबराइए ना जी, सब टूटा फूटा होना तेरा दोहरा खड़ा हूं।
बाण की छाती पाटना हो जाएगी कि मेरा भाई मेरी गेल से। और न्यूए बाण का भी फर्ज बने रे भाई, देखे काल ना पाइए भाई क्या की जरूरत पड़े तेरी बाण से, चाहे पल्ले कुछ ना हो चाहे एक रुपया ना हो लोगो, ये तो प्रेम से बोल में इतनी ताकत होती है। नुकाग्रह डूबते को तिनके का सहारा, हौसला इसे चीज हौसला दे दे उसमें सब कि हो जाए। समझ नाला समझने बात तन बोलिया आए बेबे टाइम चक्की साया जो चोरा एक चमनी ना रो अर्चे करोड़ों की माया जुड़ जाओ अरबो खरबो पति हो जाओ, लेकिन बेबे भाइया तक गिलान होया करे। असली जो बाण होगी अपने भाई ने भूले को न्या, और असली जो भाई होगा अपनी बाण ने को न्या भूले। समझ नाला समझेगा इन बात ने लिखने वाला नंबर तीन बगजब के बोल के कैसे देख रहे हैं। सभी से हाज और प्रविनती करना चाहता हूं भाई, रोड़ा सारा रुपया के नहीं से, असली रोड़ा से प्रेम का प्यार का। मेरे दाज लगे के बात नहीं समझ माली बस, हाय धन हाय धन हाय माया रे तक अभी धन बनान हो रे। क्या हम दुनिया में सिर्फ और सिर्फ रुपया पैसा धन दौलत मैल वेली बनाने खातर आऊं, इससे न्यारा रिश्ता ना तो कोई अमित नहीं रखता, कमाल है। अरे वो बड़ भाई भी बदल जा जो एक माँ की कोख से जन्म ले, उनकी नीत में भी फर्क आ जा, जुल्म है भाई हद है। ये भगवान कैसी सोच होगी हमारी, समझ में नहीं आती मारा बात। मेरे भाइयों मेरी बहनों मैं तो आज उनकी एक विनती करता हूँ, जितना भी उसके चार दिन की जिंदगी है लोगों का आग्रह सदा चलता रहेगा, बंदे सुखते सांस नहीं और एक आगे न कदम धरे दूजे की आस नहीं। कुछ ना बेरा किसका कई दिन की जिंदगी है, दुनिया में प्रेम एक ऐसी चीज है जितना बटला करोगे ना उतना काम आवेगा। लोग मैं लवेली रपिये पीछे सब की माड़े रह जाएगा। समझाने की बात और समझने की बात तो यह है जो आपस में छोटी छोटी बात ना ले गए खींचा तानी है ना, ये ठीक नहीं है। आपस में सुहाण रखा करो, किसी का नरम भी उठ से किसी का गर्म भी उठ से तो चलता रहे। ये तो परमात्मा की माया है, आदमी की किस्मत बेरा ना तो कद तो डूब जा और कद शखर में चढ़ जाए, इस बात का कोई बेरा नहीं होता। लोगों मेरा एक भजन आप जरूर सुनना कि किसे का मत करियो अपमान, वक्त की हवा निराली है, इस वक्त का कुछ नहीं पता कद की हो जाए, इसलिए समझने की बात लिखी कैसे भला।